हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आज सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, जिनमें आज के दिन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ चुका है। सो स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पर, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में। फिनोटेक्स केमिकल में हम देख पाएंगे फ्राइडे के दिन की अगर बात करें, तो फ्राइडे के दिन हमें स्टॉक में लगभग 1% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिला था। लेकिन अगर पिछले 5 डेज की बात करें तो दोस्तों, 5 दिन में स्टॉक ने एक तरफ हमें 12% के आसपास करेक्शन दिखाते हुए देखने को मिला, और पिछले 1 मंथ की बात करें तो दोस्तों, 1 मंथ में लगभग 20% के आसपास स्टॉक में एक तरफा एक ही मंथ के अंदर स्टॉक में 20% करेक्शन दिखाते हुए देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न, अगर मेन रीज़न की बात करें दोस्तों, जो कि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये स्टॉक 110% 180 के लेवल एक बार आपको टच करने या फिर उसके नीचे भी आते हुए देखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा। और प्लीज़ जो लोग भी सोच रहे हैं 300 350 के बाद बाय करने के बारे में, बिल्कुल भी बाय ना करें। आपको 280 पे आराम से मिल जाएगा, तो 350 पे क्यों स्टॉक आपको बाय करना है? आपको 30% 20% के डिस्काउंट में मिलने वाले स्टॉक कुछ दिन अगर आप होल्ड करोगे, कुछ दिन अगर पेशेंस दिखाओगे, तो जरूर दिखा सकते हो। आपको 280 पे जरूर मिल जाएगा, उसके नीचे भी स्टॉक हमें आते देखने को मिला। तो क्या इस लेवल पर स्टॉक को फ्रेश बाय करके चलना चाहिए, और गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? गिरावट के पीछे का अगर मैन ऑफ द मैच की अगर बात करें तो वह दोस्तों स्टॉक का नेचर और स्टॉक का रिटर्न। आपने सिर्फ एक मंथ के ग्राफ देखा होगा ना, तभी आपने 20% गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन आप 6 मंथ में देखोगे तो अभी भी आपको 63% आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर टॉप से देखोगे, इस टॉप से लेकर इस टॉप तक, तो आपको 35% आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि 409 के टॉप बनाए थे। 409 के स्टॉक आपको 260 पे देखने को मिला, तो यानी कि अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो 35% आपको करेक्शन आराम से देखने को मिल जाएगा। और एक साल की बात करें अभी भी दोस्तों पैसे डबल, और 5 साल की बात करें दोस्तों अभी भी 400 450% के आसपास हमें प्रॉफिट दिखाते देखने को मिला। दोस्तों यही है नेचर, जो कि मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको पता है कितने परसेंट गिरावट होता है? लगभग 80% का, 83% के आसपास यहाँ पे करेक्शन होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे भी 80% करेक्शन होगा, उसके पीछे का रीज़न कुछ और था, यहाँ पे रीज़न कुछ और है। यहाँ पे नीचे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो गिरावट है तो ये स्टॉक कोई फर्स्ट टाइम ऐसे गिरावट नहीं दिखा रहा है। अगर आप इसके मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो ये रहा इसके मैक्सिमम ग्राफ। जब भी ये स्टॉक गिरावट दिखाते तो ऐसे हैवीली गिरावट दिखाते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको बहुत 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 बार नोट करा चुका हूं, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, कंपनी देखो कोई ख़राब नहीं, कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही अच्छी कंपनी। लेकिन जो स्टॉक आपको 5-5 साल में 400-400% अभी भी, इतने स्टॉक आधा होने के बाद भी 35% करेक्शन होने के बाद भी आपको 400-400% प्रॉफिट बना के दे रहा है, तो वो स्टॉक गिरावट के टाइम भी 30% 40% 50% भी आपको इजीली करेक्शन होते देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं वो कंपनी खराब है, स्टॉक का नेचर ऐसा है, जो कि मैं आपको लॉन्ग टाइम ग्राफ भी आपको दिखा चुका हूँ। इससे भी कई गुना मल्टीपल, इससे भी डबल डबल गिरावट इसने इससे पहले भी दिखा चुका है। तो इससे इस गिरावट के चलते आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। तो अच्छे कंपनी, तो क्या इस 30% करेक्शन में जो यहाँ से करेक्शन हुआ, तो क्या इस लेवल पर स्टॉक को फ्रेश बाय करके चलना चाहिए? तो बिल्कुल चलना चाहिए। तो कितने इंस्टॉलमेंट और कौन से लेवल पर आपको बाय करना चाहिए, तो उसके लिए हमें जानने पड़ेंगे टेक्निकल वाइज ग्राफ के ऊपर। हम आ चुके हैं फिनोटेक्स केमिकल यानी कि FCL के टेक्निकल वाइज ग्राफ के ऊपर। टेक्निकल वाइज ये रहा, लगभग 250 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप चाहो तो 260 पे भी एग्जैक्टली, हो सकता है बहुत स्टॉक गिर चुका है, हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस बैक आए और दोबारा से स्टॉक 280 पे जाके वो सस्टेन करे तो आपके रैली छूट जाए। इसलिए आप चाहो तो मंडे के दिन, अगर आप चाहो इसके बिजनेस मॉडल अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप ज़रूर FCL लिमिटेड में 260 में 30% करेक्शन में 2 इंस्टॉलमेंट लगा के चलना। लेकिन आपके जो इंस्टॉलमेंट रहेगा वो छोटा रहेगा, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी। ऐसे नहीं कि आपने आरती इंडस्ट्री, पिडलाइट, एसर लिमिटेड, दीपक नाइट्रेट में आप 20,000 30,000 1 लाख लगा रहे हो और इसमें भी 1 लाख लगा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आप रिस्की ले रहे हो। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी बहुत फैंटास्टिक है, लेकिन इतना कि कंपनी रिस्की कंपनी है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर बात करें, बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आज की कोई कंपनी 1979 की ये कंपनी है, और साथ साथ इसकी जो कुछ पॉपुलर अगर प्रोडक्ट की अगर बात करें जिसमें इसके योगदान देखने को मिल जाते हैं, जैसे अगर बात स्पेशलिटी केमिकल, जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल फॉर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट पे भी हमें इसके अच्छे खासे योगदान देखने को मिल जाता है। और 470+ इसके हमें प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट आप स्टडी कर सकते हो। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, इनकी क्लाइंट बेस। क्लाइंट बेस में सब चीज़ों, सारे क्लाइंट के नाम आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ लगता है मुझे, रेमंड और अरविंद, बॉम्बे ड्राइंग और क्लाइंट पीडीलाइट, और दोस्तों दीपक फर्टिलाइजर, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर कंपनी। ये दोनों कंपनी लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो नोट। और ये इनकी क्लाइंट बेस बता दें, जो कंपनी क्लाइंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके बिजनेस से अच्छे खासे ग्रो होते देखने को मिल जाएगा। बिजनेस ग्रोथ होगा तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा, रेवेन्यू ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली ऐसे कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता देखने को मिलेगा। तो सिर्फ मैं क्लाइंट बेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर कंपनी का आप रिजल्ट भी देखोगे, कंपनी कमा कितने, सिर्फ क्लाइंट बेस से कुछ नहीं होता, कंपनी के
400+ प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, उससे कुछ नहीं होता, कंपनी की इनकम आना चाहिए। तो इनकम भी अच्छे आएंगे, प्रॉफिट भी अच्छे आएंगे, तभी तो स्टॉक आपको 4-4 साल में 5-5 साल में इतने मल्टी बैगर प्रॉफिट बनाते हुए देते हुए देखने को मिले। तो आप चाहो तो इसके बिजनेस को और भी डीपली स्टडी कर जरूर कर सकते हो, उसके बाद अगर कंपनी आपको अच्छी लगती तो आप ज़रूर आप स्टॉक को, ये जो गिरावट हुआ 35%, इसमें आप बाय करके तभी चलना जब आप कंपनी को पर अगर ट्रस्ट हो तो। क्योंकि अगर आप इसलिए सिर्फ बिना सोचे डिस्काउंट मिले अगर स्टॉक को बाय करोगे या फिर सेल कर दोगे, तो आने वाले टाइम जब स्टॉक भागेगा तो आप रिग्रेट करोगे, स्टॉक जब गिरेगा तब भी आप रिग्रेट करोगे क्यों मैंने स्टॉक को बाय किया और अब क्या मुझे होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। इसलिए आप जाना चाहते हो तो छोटा सा इंस्टॉलमेंट लगाना, लेकिन दो इंस्टॉलमेंट फिर छोड़ देना ताकि स्टॉक और भी नीचे आ जाएगा। आप भी सकता है छोटी कंपनी है और भी 10-15% करेक्शन होता है तो और भी एवरेज कर लोगे तो आपके एवरेज पर और भी नीचे आ जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा कर सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर इस गिरावट का फायदा उठा के जरूर चल सकते। जो लोग सोच रहे थे कि कौन से लेवल पे बाय करें, तो दोस्तों ऐसे भी ब्रेक कर चुका है, बहुत अच्छे खासे लेवल पे मिल रहा है, तो आप चाहो तो दो इंस्टॉलमेंट लगा के आप जरूर चल सकते। दोस्तों जिस लेवल पे आपको बाय करना होगा मैं उसी लेवल को मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जब 300 के ऊपर था, 350 के ऊपर था, तब मैंने हर बार मैंने आपको यही कहा था कि प्लीज़ एक भी शेयर बाय मत कीजिए। और जब ये स्टॉक इस लेवल पे आ गया, जो कि एक्चुअल में बाइंग लेवल है, उस लेवल पे आपको बताऊंगा बाय करना नहीं करना, वो आपके ऊपर है। द नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सो फेयर केम ऑर्गेनिक लिमिटेड। इसमें जो गिरावट है दोस्तों वो हमें कंटिन्यू मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फ्राइडे के दिन की अगर बात करें तो भी 4% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिला था, पिछले एक मंथ की बात करें तो 12% के आसपास, और पिछले 6 मंथ की बात करें जो प्रॉफिट है कुछ ही दिनों के अंदर पैसे डबल होते देखने को मिला, वो कुछ ही दिनों के अंदर स्टॉक हमें टॉप लेवल से 42-45% करेक्शन हुए देखने को मिला। तो क्या कंपनी में कोई फ्रॉड है? कोई फ्रॉड नहीं दोस्तों, मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। और सिर्फ 1300 नहीं, 1250 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस लेवल तक भी स्टॉक आते हुए देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक का नेचर ही ऐसे। और ये जो गिरावट आपको देखने को मिला है ना 42-45%, इससे ये बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने, क्योंकि ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसी गिरावट नहीं दिखा रहे। अगर आप इसके 1 साल के ग्राफ देखोगे, 1 साल के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक बार नंबर खराब आया था, 50% करेक्शन हुआ था, 50%। 2300 के स्टॉक आपको 1200 के नीचे भी आते हुए देखने को मिला था, यानी कि एक्जैक्टली 52% करेक्शन हुआ था। तो उसके बाद जब एक बार नंबर अच्छा है तो स्टॉक हमें 2450 का टॉप बढ़ाते देखने को मिला, मतलब 1200 से स्टॉक सीधा 2450, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। तो स्मॉल के कंपनी ऐसे ही होते हैं जब भागते, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो आप किसी भी केमिकल स्टॉक में, ये केमिकल स्टॉक है, आप मान लो किसी आरती इंडस्ट्री या फिर एसर प्रिंटेड में आप 1 लाख लगाना चाहते हो, अच्छी बात है, आपके वैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर है, पेशेंस दिखाओगे तो लॉन्ग टाइम आपको अच्छे खासे एक स्टेबिलेटर ये जरूर बना के दे देगा। लेकिन इसमें अगर आप सोच रहे हो तो बहुत ही गलत है, बहुत ही रिस्की है। जाना चाहते हो तो 10,000 से शुरुआत करो, और अच्छे नंबर दिखा तो और 10,000 इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म ग्राफ भी देखोगे तो बहुत ही न्यू कंपनी है, अभी पैसे डबल, 2 साल भी नहीं है, 2 साल में पैसे डबल। तो ये चीज़ें नोट करना आपको आना चाहिए, जो कि मैं आपको बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। अब बहुत सारे लोग दिमाग में ये चीज़ें आ रहे हैं कि ये स्टॉक तो जो FCL लिमिटेड है, FCL केमिकल लिमिटेड, उसमें भी 35%, ये तो 45% गिरावट है, तो क्या इसमें अच्छे खासे डिस्काउंट मिला है, तो क्या इसमें फ्रेश बाइंग करें? तो बिल्कुल भी नहीं। जिस स्टॉक में फ्रेश बाइंग और एवरेज करना होता है मैं आपको खुद बता देता हूँ, और कौन से लेवल पे बाय करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन प्लीज़ इसमें बाय मत करें दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही रिस्की कंपनी है, खराब नहीं, रिस्की कंपनी, और इसके नंबर खराब है, FCL का कोई नंबर खराब नहीं है, उसके नंबर अच्छे है तो भी गिरावट हो उसके नेचर की वजह से। और इस स्टॉक में गिरावट इसलिए हुआ क्योंकि पहला नेचर है, दूसरा इसके नंबर खराब है। तो प्लीज़ नंबर अगर Q3 के देखना, अगर Q3 के नंबर आ जाएगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा कि आप चाहो तो जब स्टॉक नंबर आएगा ना स्टॉक भागेगा तब तेजी देख के भी स्टॉक को बाय कर लोगे, वो कि गलत नहीं है। लेकिन हाँ, स्टॉक के नंबर खराब आए और डिस्काउंट में लिस्ट स्टॉक को बाय करोगे तो वो गलत है। तो प्लीज़ इसमें बाय और एवरेज ना करें, देखो कैपिटल आपका है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। द नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, लेकिन प्लीज़ अगर आपके पास है लॉस में बिल्कुल भी ना बेचें। द नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सो फाइन ऑर्गेनिक। अगर किसी को जाना ही है फ्रेश बाइंग करने के बारे में तो आप ज़रूर फाइन ऑर्गेनिक में एक इंस्टॉलमेंट आप ज़रूर लगा के चल सकते। 6 मंथ की बात करें लगभग 30% के आसपास आपको प्रॉफिट देते देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं इसमें गिरावट का है, टॉप से देखोगे ना तो आपको 20% करेक्शन देखने को मिलेगा। तो 20% में है तो ये 17,000 का मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो आप फिर भी एक अच्छी कंपनी, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्राफ देखोगे इसकी कंसिस्टेंसी, जो कंपनी अच्छे ग्रोथ दिखाएगा, अच्छे नंबर दिखाएगा, अच्छे प्रॉफिट दिखाएगा, वो कंसिस्टेंसी आपको ऊपर ही जाते देखने को मिलेगा। तो इस बीच में भी नंबर आने के बाद स्टॉक में गिरावट होता है, जब भी नंबर आते हैं इसके नंबर अच्छे आते हैं तब भी गिरावट होता है, और 10%, 15%, 20%, और फिर तुरंत ही बाउंस बैक देखने को मिल जाता है। तो अभी 20% में आप जरूर एक इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में आप जरूर सोच सकते हो, कि लेकिन एक इंस्टॉलमेंट ज़्यादा नहीं, एक इंस्टॉलमेंट लगाओगे और भी डीप मिले तो और एक इंस्टॉलमेंट पैसा लगाओगे, अभी आप टॉप पे अटकोगे नहीं। द नेक्स्ट स्टॉक है सो वीमा सीमेंट। सो मैक्सिमम ग्राफ की बात करें, जब से लिस्टिंग हुआ कमाल रिटर्न बना के दिया, 1500 रुपये से स्टॉक सीधा 160 पे। तो जिनके पास भी है, जो लोग होल्ड कर रहे लॉन्ग टाइम से, उनके लिए तो बहुत ही मल्टी बैगर है, लेकिन एक ऑपरेटर वाले स्टॉक है जो कि आप देख भी पाएंगे। तो नोट, और इसमें एक बहुत बड़े पॉजिटिव अपडेट निकल के आ चुका है, 1 के बदले 10 शेयर, जिनके पास भी उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आपके पास है नहीं तो प्लीज़ इस चीज़ के चलते, स्प्रीड के चलते तेजी देखिए किसी स्टॉक को बाय ना करें। सो बेटे, इतने को डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग व्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।